जन सरोकार मंच टोम द्वारा शुरू की गई संवाद श्रृंखला जिसका नाम है आपकी मेरी बात। इस श्रृंखला में आज आप सुनेंगे, मिलेंगे, देखेंगे हमारे पूर्व सभापति नगर परिषद टोम श्रीमती लक्ष्मी जैन साहब से। लक्ष्मी जी, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ, आप हमारे कार्यक्रम में आए और काफी दिनों से ये जन सरोकार मंच काम कर रहा है अपनी जगह, लेकिन इस तरह से आपसे मुखातिब होना और आप सबसे मुखातिब हमारे प्लेटफॉर्म से हो पाए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो मैं आपसे बात शुरू करूं तो संदर्भ ये आता है कि अगर मैं फेस वैल्यू पर बात नहीं कर रहा हूं तो मैं इस टोंक शहर का एक नागरिक होने के नाते ये कह सकता हूं कि इस शहर का जो स्वर्णिम काल है नगर परिषद का, वो आपके प्रशासकीय काल की पहचान। कारण ये है, इससे पहले ये चुनाव होते रहे और लोग इस पद को निभाते रहे, लेकिन टोंक शहर में किसी तरह का परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जो दायित्व नगर परिषद के होते हैं वो मिलते नहीं देख रहे थे, सिर्फ समय बीत रहा था। तो आप एक सीधे सीधे पॉलिटिकल जंक्शन पे आके खड़ी हो गई, पहले कोई वैसा अपना प्लेट नहीं था, लेकिन अचानक आपका आ जाना और फिर लेकिन इतनी जिसे कहना सच्चाई से, ईमानदारी से, निष्ठा से आपने इस पद को निभाया है, तो उस संबंध में आप कहें कि आपको शुरुआत में कैसा लगा और कैसे आपने इस शहर की जरूरतों को पहचाना और किस तरह इसके फंड्स रेज किए नगर परिषद के, तो थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं। तो मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ, उन्होंने आज मुझे इस मंच पे बुलाया। और जिस तरह अभी आपने बताया कि आपका कार्यकाल सोने का है, किस तरह राजनीति में आई, कैसा लगा जी। तो मैं बताना चाहूंगी कि मैं तो एक चूल्हा जलाती हूँ, चूल्हे धोके करती हुई चेन्नई का ही, मेरा परिवार शुरू से ही जनसंघ से जुड़ा हुआ था और मेरे साथ भी पार्टी के वफादार सिपाही थे, शुरू से उन्होंने सालों वर्षों से काम किया। और नगर परिषद की महिला सीट आई तो उन्होंने मुझे नगर परिषद के चुनाव में उतारा। जिस तरह चेयरमैन बने तो लगता था शहर में सब लोग से ये सुना करते थे कि टोंक तो सबसे पिछड़ा शहर है, सबसे गंदा शहर है। जब मैं घर पे भी रहती थी, समाज में भी रहते थे, तो कई गलियों में बाहर भी निकलते थे, कहीं बहन बेटी की कहीं शादी की बात चलती थी तो सब लोग ये कहते थे वो ऐसे गंदे शहर में कोई अपने बेटी को देगा, सब लोग ये कहते वो तो सबसे गंदा शहर है। तो इस तरह की बातें सुनते थे, मन में ये भी था। और जब उत्तर दायित्व मिला तो सोचा भी कुछ मिला है दायित्व तो अपन कुछ अच्छा करें, शहर अपना है, जिम्मेदारी मिल गई है, कैसे क्या सब करते थे, सकारात्मक सोच रखते हुए, परिवार से ऐसे ही संस्कार मिले हुए थे, स्वभावों का हमेशा मन में रहता था, तो जिम्मेदारी भी मिली तो उसको निभाते हुए 5 वर्ष में कि जो ये कलंक लगा हुआ है टोंक शहर पे पितृत्व का, इसको कैसे अपन दूर कर सकते हैं, इसी को धीरे धीरे प्लानिंग करते हुए सबके सहयोग से नगर परिषद के सभी अधिकारी कर्मचारी, मेरे पार्षदगण, सभी लोगों को सहयोग लेके शहर में तरह तरह की जो कमियां थी उनको धीरे धीरे पूरा किया। जहां तक नगर परिषद की आर्थिक स्थिति की बात है, जहां तक हमारी जानकारी में है, जब आपने कार्यभार संभाला तो स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, बहुत सारे लोगों का वेतन बाकी था और किसी तरह का बदलाव न कर पाने के पीछे एक ही कारण बताया जाता रहा कि सब आर्थिक स्थिति नहीं है, फंड्स नहीं है, पैसा नहीं है, ये अभाव है। ये इस स्थिति में जब आपने तब संभाला तो आपने इस आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आपने क्या क्या कदम किए, ये पता होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, जब नगर परिषद का कार्यभार संभाला तब वहां फंड नहीं था,
अब एकदम से रहा दिमाग में कि कैसे काम करेंगे अपन। वहां ऐसे सुनने में आता है कर्मचारियों को पिछले वर्षों से वेतन ही नहीं मिलता, कर्मचारियों को, सफाई कर्मचारियों को, सबको वेतन ही नहीं मिलता। तो ये दिमाग में एक थी कि कैसे क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जिस तरह दिमाग में आया कि अपन इसको कैसे बनाए, कैसे स्थिति सुधारे। तो नगर परिषद में सबसे पहले हमने जो ट्रक बाहर निकलते हैं अपने बजरी यहाँ अच्छा, लेकिन समस्त वस्तुओं पे हमने इसमें टैक्स लगाया। अच्छा, वो टैक्स इस तरह का लगाया कि टोंक शहर से जो बाहर जाएंगे ट्रक के लिए 200 रूपए, ट्रैक्टर के लिए 100 रूपए मात्र। लेकिन वो नदी की यदि टोंक शहर में रहती है तो उसके कोई चार्ज नहीं, केवल शहर से अपने बाहर निकले तो उसी के लिए मिनिमम चार्ज 200 रूपए 100 रूपए हमने रखा। इसके लिए पर डे लगभग 2.5 लाख रूपए की इनकम नगर परिषद को होने लगी। तो ये जब तक बजरी वो जब तक ये काम चलता रहा, टैक्स आता रहा, हमने नगर परिषद की इनकम हुई, कई नगर परिषद की जमीन जो होती है उनको बेच के भी हमने आय का स्रोत किया। जो आप देख रहे हैं कि शहर में जितने विकास कार्य चल रहे हैं, चले हमने किए लगभग 100 करोड़ के काम हमने किए। तो इस तरह के विकास कार्य किए, जनता की अपेक्षाएं थी भाई यहाँ पार्क भी नहीं है, यहाँ घूमने की कोई जगह भी नहीं है, यहाँ का बस स्टैंड सबसे बुरा है, हम बच्चों को कहाँ घुमाने ले जाए। जब मैं बनी थी कहीं भी जाती थी तो महिलाएं यही कहती थी कि भाभी जी मैडम ऐसा काम कराओ ना, बच्चों को हमेशा हम जयपुर घूमने ले जाते हैं, यहाँ कोई जगह ही नहीं है ऐसी बिल्कुल भी। हाँ, तो इस तरह का काम को चुना आपने, ठीक कराया। नेहरू पार्क है, खेल पार्क है। नेहरू पार्क में क्या हुआ आपने? नेहरू पार्क में पहले जो तो जुड़ा हुआ पड़ा था तो वहाँ हमने लगभग 2.5 करोड़ का वहाँ वर्क दोनों पार्कों में, नेहरू पार्क में, खेल पार्क में कराया। और एक जो सालों वर्षों से जनता की मांग चल रही है कि तो हमने चुप चुप की आवाज सुनी, उसको भी हमने थोड़ा सा चाहे बच्चों का ही चुप चुप सुनाए, छोटी ट्रेन चला के तो लेकिन वो चुप चुप ये अच्छा भी नहीं है, चुप चुप क्या बच्चों को सुनाई दे तो कैसे, लेकिन शहर वालों को सुनाई दे टॉय ट्रेन चला के बच्चों का उसमें थोड़ा मनोरंजन कर। अभी कोरोना की वजह से वो बंद पड़ी हुई है, वर्तमान चेयरमैन साहब जब भी कभी चलाएंगे इसको, तो वहाँ पे डस्टबिन लगे हुए हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं और लाइट्स सब लगी हुई है, सब लोग घूमने जाते हैं। नेहरू पार्क की स्थिति आप देख रहे हैं, पहले वहाँ लोग ऐसे थे कि अंदर जाते थे वहाँ भूतले फूटे हुए मिले, ऐसी स्थिति वहाँ की। ये बहुत बड़ी अच्छी बात सामने आ रही है, लेकिन उसके देखिए स्कीम तो कोई भी डाल देता है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग जो व्यक्ति करता है जिम्मेदारी से वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। जैसे स्वच्छ अभियान को लेकर चले हम, मोदी जी का बड़ा तरह से नेशनल लेवल का प्रोजेक्ट रहा है और घर घर कचरा संग्रहण की बात आई तो बड़ा काम था, छोटा काम नहीं था। कारण बड़ा काम इसलिए भी था कि लोगों को उस तरह की आदत डालना बड़ा काम था। हम गाड़ी तो बना सकते हैं लोगों, लेकिन लोगों की आदतों को मैं परिवर्तन लाना सहजता से बिना किसी पेनल्टी इम्पोज किए हुए आपने कैसे किया ये बताया, कैसे कर पाएंगे? प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि जब तक हमारा देश स्वच्छ नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पहले हम सफाई तो करें। इसी भावनाओं को रखते हुए जब नगर परिषद ने देखे कि अपन टोंक शहर को कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, वहाँ संसाधन नहीं थे तो सबसे पहले वहाँ हमने ठेला भिजवाया गलियों में, भाई जनता महिलाएं कितनी जागरूक है कि कचरा किसमें डाल सकती है, तो वो ठेला तुरंत ही एक दो घंटे में भर के आ गए गलियों में घूम के। उससे लगा भी जनता जागरूक है, कचरा डालना चाहती है, यूज करेगी, तो अपन ऐसा कोई संसाधन उनके लिए लगा सकते हैं ताकि कचरा वो उसमें डाल सके। जनता जागरूक होना चाहती है और स्वच्छता पसंद कर रही है। उसके बाद हमने मोबाइल वैन खरीदी, कचरा वैन जो हर वार्ड के लिए खरीदी,
45 वार्डों के लिए 25 बाद में फिर और कर रहे थे वो कि एक गाड़ी दो में आए उस आइडिया से उनकी का कचरा साफ किया पूरा। अभी आप देख रहे हैं पूरा मैदान साफ है, बोलिया वहाँ कट रही है, वहाँ पहाड़ के पहाड़ इकट्ठे हो चुके थे, अब कोई रहना पसंद नहीं कर रहा था, आज कितने मकान वहाँ बन रहे हैं। पार्क वालों ने दो पार्क डेवलप कर दिया आइडिया से उनकी को लेने, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो ये काम हो रहा है, जनता इतनी जागरूक हो गई कि गाड़ी नहीं पहुंचती तुरंत मेरे पास फोन आ जाते थे। एक जनता की थी मोबाइल में नहीं पहुंचती, तुरंत फोन आते थे कि मैडम आज गाड़ी नहीं है किसी वजह से, कारण से ड्राइवर की वजह से यदि गाड़ी नहीं पहुंची। कचरा का संग्रह होकर जहाँ डंपिंग यार्ड की स्थापना करी आपने शहर से थोड़े से दूर, इसका विचार कैसे आया? ऊपर से कोई प्लानिंग थी या ये आपकी सोच थी? लगता था कि शहर को बीतू गई थी कचरे का ढेर, तो उधर से गुजरते थे तो मन में चुभन होती थी। जी जी सही, भाई तो स्वच्छ भारत मिशन अपने शहर को स्वच्छ करना चाहते हैं, लेकिन ये तो बीच में कचरे का ढेर अच्छा नहीं लग रहा, तो ये ऐसी कौन सी जगह हो अपन इसको शहर से बाहर कर सके ताकि जनता को भी दिक्कत नहीं हो। तो हमने चराई में एक जगह वहां चुनी और ऊपर से प्लानिंग भी आई की एक अपना डंपिंग यार्ड बनाओ ताकि यहाँ कोई योजना भी चल रही है उसकी, ताकि इससे खाद वाद बन सके। बड़ी प्लानिंग थी पाई अभी तक शुरुआत नहीं पाई, तो इस तरह वहां से चले और जनता ने काफी मोबाइल में कचरा डाला, जनता काफी जागरूक हुई, लोगों ने महिलाओं ने काफी साथ दिया और महिलाएं तो पहली बार इतनी खुश हुई कि हम तो पहली बार समझे नगर परिषद इतना काम कर सकती है। इसको नकारा नहीं जा सकता, जैसा कि आपने कहा पिछले सालों से नगर परिषद पिछले सालों से थी, लेकिन क्यों नहीं है विकास? विकास क्यों नहीं हुआ? वो अपनी अपनी सोच होती है, मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। मतलब आप भूल रहे हो, फिर कहूंगा कि आपको फेस पे एक बात कहनी होनी चाहिए मुझे, लेकिन जिस दिन इलेक्शन हुआ अभी लेटेस्ट, उस दिन भी बहुत लोग मायूस थे इस बात से कि लक्ष्मी जी वापस क्यों नहीं आ रहे। ये मैं आपको एज ए पत्रकार बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फोन आते हैं, बातचीत होती है, हमें भी ग्रास रूट पर जानकारियां मिलती हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये तो ठीक है आपने जो सपने लिए उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया है, लेकिन आपके कार्यकाल में आप बिल्कुल इसको अन्य खंडन, हम भी चाहते थे कि जो आदमी काम कर रहा है उसका श्रेय उसी को जाना चाहिए, अखबारों में हम वही लिखना चाहते थे, लेकिन हकीकत यह है कि साथ में और जो लोग हैं, चाहे वो पार्टी लेवल पर हैं या किसी और स्थिति में है, अक्सर सुनने में याद आता है कि वो जो भी काम शहर में विकास का हो रहा है नगर परिषद एरिया में, तो उसको वो उसका श्रेय स्वयं लेना चाहते। हमें मन में एक पीड़ा होती थी। दूसरा एक प्रश्न है कि मैं उसको वापस कहना नहीं चाहता था, लेकिन बात जुड़ती है कि ये आम स्थितियां थी सामने कि आप काम करना चाहते हैं, लेकिन आपके संग शुरुआत में एक प्रेशर लग रहा, आप बड़ी मुश्किल से उस प्रेशर से निकली, फिर दूसरे के साथ सहयोग मिला, आपने काम किया, लेकिन इस सारे ट्रायंगल के अंदर ट्रेडोन में क्या काम की गति बाधित नहीं हुई? जी, लेकिन जब मन में जुनून हो जाता है और जो ईमानदारी से सकारात्मक पॉजिटिव सोच लेके जो काम करना चाहते हैं उनके लिए रास्ते अपने आप साफ हो जाते हैं। तो उस बात को रास्ते निकलते हैं, मन में थोड़ा यही होना चाहिए, तो उसके लिए कोई कोई गलत काम कर ही रहते हैं रास्ते अपने आप बन जाते हैं, मन में कोई अपन सोच रखते हैं तो रास्ते अपने आप बनते हैं। अच्छी सोच के लिए पॉजिटिव सोच के लिए महिलाओं में भी बहुत सारी सोच जागृत हुई, अपने कई रैलियां भी निकल गई आपके साथ रही और चाहते थे, लेकिन वो कौन से ऐसे शब्द अधूरे रह गए क्या आप उनका जिक्र करेंगे शहर के विकास को लेकर? शहर के विकास में जिस तरह एक सीरियस का काम चल रहा था,
वो ऐसा था कि हमारे कार्यकाल में पूरा होना था लेकिन हो नहीं पाया। इसकी वजह से शहर में कई जगह सड़कें नहीं बन पाई, रोड नहीं बन पाए, कई जगह पानी की लाइन नहीं पहुंच पाई। भाई चलो डबल नुकसान होगा कि अपन रोड बना देंगे बाद में, तो इस तरह का उनका पूरे करने का पहले योजना नहीं थी। 2017-18 में ये योजना पूरी हो जाएगी लेकिन हो नहीं पाई, तो ये थोड़े से ये काम बाकी रह गए। वो कई प्रोजेक्ट तो नगर परिषद के आपने काम किया नहीं करता, उससे तो प्रश्न बनता है पूछने का, लेकिन आपसे प्रश्न इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि आपने काम किया है। काम किया है तो कुछ आगे भी उसका फिर होंगे। भाई जैसे आज भी चर्चा में है अपना चतुर पुस्तक, आज भी चर्चा में अपना देवी और मकाल, आप क्या सफाई होनी जरूरी है, घाट बनना जरूरी है, चतुर पुस्तक आपको भी एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाने की पेशकश है। काशी के रूप में उसका सपना था चतुर्भुज तालाब का, तो आपने देखा कि हमने काफी उसकी सफाई भी कराई, काफी पेड़ भी लगाए, लाइटिंग भी कराई, घाट भी बनाए, लेकिन और सुंदर था उसको जिस तरह मिनी काशी का रूप हम देना चाहते थे वो थोड़ा अधूरा रह गया। उसका क्या कारण है, मतलब आपने लोकल सपोर्ट नहीं मिला जनप्रतिनिधियों का या बाहर से ऊपर से लेवल से ही अपन को सपोर्ट नहीं मिल पाया, क्या रहा? उधर भी वसुंधरा जी थी, ऐसी कोई बात तो है नहीं कि अपन को राज्य शासन से कई कारण हो सकते हैं, जनता के सामने नहीं बता सकते, आप भी समझते हो। और तेलियों का तालाब का भी काफी उसमें ऐसा रंगीन फवारा लगाने का बहुत अच्छा सपना था जी, लेकिन वो भी थोड़ा अधूरा रह गया। वहां भी हम रोड बनाए, रेलिंग लगवाई, थोड़ा काम तो कराया, लेकिन उसका प्रोजेक्ट और उधर से जो पानी निकल रहा था हम चाह रहे थे इसका सीमेंट के पानी चला जाए, वहाँ गार्डन डेवलप कर दो, ऐसा कुछ काफी ऐसे थोड़े बहुत काम रह ही गए। थोड़े से जो नदी क्षेत्र में कुछ काम हो सकता था अपने, जैसे वैष्णो माता का मंदिर जाना है, गणेश जी के नचाते हुए बुजुर्ग लोग चढ़ नहीं पाते सिद्धों में, तो वो लगाने की इच्छा थी झूला टाइप, तो वहां से बैठ के वहां गणेश जी के दर्शन कर सके, ऐसे थोड़ी मन में प्लानिंग थी जो थोड़ी रह गई कई चीजें। और बताइए ऐसी बात जो आप अपने सुधी दर्शकों को कहना भी चाहे दिल से, हो सकता है मैं ना पूछ पाया, वो भी कही। पांच साल का जो कार्यकाल मुझे मिला, जनता ने मुझे इतना स्नेह और आशीर्वाद दिया कि आज भी मेरे मन से मैं उनको नहीं निकाल सकती हमेशा। हाँ बिल्कुल, उनके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। हमेशा किसी भी काम के लिए सब लोग तैयार खड़े रहे और एक सोच तो बनी रहती है एक दबकर रह जाने के बाद, तो कहीं किसी बात पर सोच आ रही है आपकी कि भाई ये काम ऐसे हो सकते हैं, अभी इतना बजट तो होना चाहिए, क्योंकि तो जैसे वो आपने बजट जो किया टको वाला वो क्या अभी चल रहा है, क्यों अपनी बंद क्यों है दोगाने के बस नहीं वो काम ऐसा हो चुका है कि जब तक नगर परिषद और रहेगी जब तक वो कल्प वृक्ष लग चुका है और नगर परिषद में कभी बजट की कमी नहीं आएगी। पिछले वर्षों में कहते थे कि बजट नहीं है बजट नहीं है, यदि ऊपर से भी उनके फंड नहीं आएगा तो उनकी बजट की कमी कभी नहीं आएगी। रोड चाहे वो 5 लाख के रोड एक रोज बनाए, किसको कैसे फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छा एक बात और बताइए, लेके आते हैं सफाई गाड़ियां लेके आते हैं कचरा संग्रहण के लिए,
ये सारा काम ठेकेदारों का आश्रित है या अपने नगर परिषद के कर्मचारी है? सारे टीम के कर्मचारियों की अभी मेरे कार्यकाल में भर्ती हुई है। अच्छा, जो इतने सालों से सब चल रहा था ठेके पे, कम से कम 350 आज नौकरी के लगे। अच्छा, बाकी ठेके पे भी है? नहीं, ठेके का मुझे पता नहीं, मैंने कर रखा हूँ। ड्राइवरों के ठेके हैं क्योंकि हुआ तो मेरे घर पे जो आता है ड्राइवर, उससे मैंने कहा पूछा, क्योंकि अभी जो वर्तमान में है अपने सभापति, उन्होंने बताया कि आज ही भाई साहब मैं 40 लाख का चेक साइन करके आया हूँ, ईद से पहले हम लोगों को पैसा मिलेगा। तो वो थोड़ा मुझे उदास देखा तो मैंने पूछा उससे, तो कहने लगा हम तो ठेके का 6-6 हजार 8-8 हजार के हैं और वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। तो इस पर भी थोड़ा सा आप लोगों की मूड बनाइए। ऐसा नहीं होता कि सत्ता पर जो बैठा है वो ही सक्षम होता है, सक्षम वो भी होता है जो सत्ता के बाहर रहकर सत्ता को जागरूक करता है। तो मैं तो ये कहूंगा तो आपके लागे होने के नाते कि आप अपने कर्म भूमि अपने कर्म क्षेत्र से दूर न जाकर अभी भी आप जुटे और इस क्षेत्र में लोगों के लिए थोड़ा सा आपका रुझान बाहर आना चाहिए, लोगों को महसूस हो कि नहीं लक्ष्मी जी आज चाहे सभापति नहीं है लेकिन वो हमारे साथ खड़ी है, ऐसा कोई ऐसा ही महसूस करती है जनता। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बीच में जाती हूँ तो भाई हाँ साथ खड़े हैं मेरे। बहुत अच्छी बातें होंगी आपके साथ, उम्मीद है आप फिर मौका देंगी हमको। इसके साथ ही आज इस वार्ता का समापन करते हैं।